डॉक्टर के सिवन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के चेयरमैन। चंद्रयान 2 के लैंडर का जब इसरो से संपर्क टूट गया, डॉक्टर के सिवन फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन की बात नहीं थी, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मुसीबतों का सामना किया है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर के सिवन की जिंदगी के बारे में गहराई से जानेंगे। कॉलेज में आए तब तक उनके परिवार के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। इतने गरीब परिवार में पैदा होकर भी वो इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचे, कैसे वो इसरो के चेयरमैन बने, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूँ जस्मीन पटेल और आप सबका जीचिल्स पर बहुत स्वागत है। डॉक्टर के सिवन का पूरा नाम कैलाश वादिवु सिवन। उनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को कन्याकुमारी के सरक विलय गांव में हुआ। के सिवन गरीब परिवार से थे, लेकिन उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। शुरुआत की पढ़ाई गांव की ही सरकारी स्कूल से तमिल भाषा में की, लेकिन 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद अब गाँव से बाहर जाना ज़रूरी था आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन पैसे नहीं थे। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया है कि पैसे ना होने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उनकी पढ़ाई उनके बड़े भाई ने रोक दी थी। तब उन्होंने तय किया था कि मैं खुद ही कुछ काम करके पैसे जमा करके एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। उनके पिताजी पास के एक मार्केट में आम बेचने का काम भी करते थे, तो सिवन जी साइकिल पर आम लेके जाते थे और बेचने में मदद करते थे और उन पैसों से एजुकेशन का खर्चा निकालते थे। क्या है, जिसको कुछ करना होता है ना, उसके पास उस काम को करने के लिए हज़ार रीजंस होते हैं। वो कैसे भी करके वो काम कर ही लेता है। जिसको कुछ करना ही नहीं है, वो कैसे भी करके वो काम नहीं करेगा। उसके पास उस काम को ना करने के लिए हज़ार रीजंस होते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर के सिवन उनके परिवार के पहले ग्रेजुएट थे। स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे करके पूरी कर ली, लेकिन आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए फिर से वही प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम। फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से उन्होंने कन्याकुमारी के हिंदू कॉलेज में मैथ्स में बीएससी करने का फैसला लिया। वहाँ पर एडमिशन हुआ। कहते हैं जब तक कॉलेज में आए तब तक सिवन जी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। उनको चप्पल भी नहीं मिली थी जब तक वो कॉलेज में नहीं आए थे। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चप्पल बहुत ही बेसिक नीड होती है किसी के भी लिए। अगर वो भी नहीं खरीद सकते हैं तो हम सोच सकते हैं कि किस लेवल का प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। जो भी पैसे कमाते थे, जमा करते थे, वो सारे पैसे पढ़ाई में ही लग जाते थे। ऐसे हालातों में पढ़कर भी, ऐसी मुसीबतों का सामना करके भी उन्होंने मैथ्स में टॉप किया था। उसके बाद 1980 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, बीटेक की डिग्री हासिल की। उसके बाद IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर किया। ये सारी उनकी पढ़ाई स्कॉलरशिप से हुई। उसके बाद उनको जॉब लगी इसरो में। इसरो में वो PSLV प्रोजेक्ट का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने GSLV, PSLV, GSLV मार्क 3 ये सारे प्रोजेक्ट में काम किया। उन्होंने सितारा करके एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था जिससे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रस्थापित किया जा सके, और इससे इसरो को बहुत फायदा हुआ था। आगे चल के 2006 में के सिवन जी ने मुंबई IIT से अपनी PhD पूरी करी। इसरो में उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। इसरो के चेयरमैन बनने से पहले उनको तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का निर्देशक बनाया गया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही इसरो के जो चेयरमैन थे उस वक्त के उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो सिवन जी को इसरो का चेयरमैन बना दिया गया था। फरवरी 2017 में भारत देश ने यानी कि इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसका श्रेय डॉक्टर के सिवन को जाता है। चंद्रयान 2 की बात करें तो 10 साल की मेहनत के बाद यह मिशन यहां तक पहुंचा था। आखिरी पड़ाव में जब वो 2.1 किलोमीटर दूर था हमारा लैंडर, 59 सेकंड्स दूर था चांद की सतह पर लैंड होने के लिए, तब उसका संपर्क इसरो से टूट गया। इस बात ने पूरे हिंदुस्तान को गम में डुबा दिया था, लेकिन जब से हमारे ऑर्बिटर ने ये तस्वीरें भेजी है, थर्मल इमेजेस भेजी है इसरो को, तब से हमारे पास एक होप है। इसरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और ये कोशिश हम अगले 14 दिन तक कर सकते हैं, क्योंकि लैंडर की मिशन वैलिडिटी 14 दिन की है, एक लूनार डे की है। उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि इसरो अपने मिशन में कामयाब रहे। ओके, तो आज के बाद यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है
तो लाइक और शेयर जरूर करना। चंद्रयान 2 को लेकर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो सारी बातें हमने यहाँ पर रिपीट नहीं की है। अगर आप देखना चाहें तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था, सुशांत सिंह राजपूत ने सारा अली के साथ कौन सी फिल्म में काम किया है? इसका सही जवाब है केदारनाथ। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर किया उनके नाम है अंकित कुमार, शुभम जयसवाल एंड ऋषिकेश। वेल डन गाइस, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट्स मिलते हैं। जिनको पता नहीं है ये पॉइंट्स और ये सब क्या है, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं फिर से एक बार कि हम हर वीडियो में एक सवाल करते हैं, सही जवाब देने वाले जो टॉप 3 लोग होते हैं उनको हम 10 पॉइंट देते हैं एक वीडियो के, मतलब कि एक सही जवाब के। मंथ के एंड तक जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उनको हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ओके, तो आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, मिशन चंद्रयान 2 में हमारा जो रोवर है उसका क्या नाम रखा गया है? फिर से एक बार सुन लीजिए, हमारा जो रोवर है मिशन चंद्रयान 2 में उसका नाम क्या रखा गया है? जल्दी से सर्च कीजिए, सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली बहुत बार मैंने तो बता दिया है आपको, आपने और भी कई बार सुना होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने अकाउंट में 10 पॉइंट जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड See you soon.